बहकी सभी जुबां हैं, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हो, हम लोग प्रोग्राम से फ्री हो चुके हैं एंड जो बर्तन हम लेके आए थे उन बर्तनों को वापस जमा करवाने जा रहे हैं ट्रैक्टर से। तो आज हम लेंगे ट्रैक्टर के बहुत ज्यादा मजे, तो बने रहे व्लॉग के साथ। ये हमारे खाद्य मंत्री राकेश जी मीणा, मतलब ये मेन ड्राइवर साहब, परिवहन मंत्री ड्राइवर साहब एंड खाद्य मंत्री, वो मतलब बहुत बड़े बड़े मंत्री लोग। आप जैसा देख पा रहे हैं सब बर्तन भंडार, ये हमारे जीजा जी फर्स्ट टाइम आ रहे काम कर रहे हैं, ये कुछ काम कैसा महसूस कर रहे हैं? बताओ लोगों को कैसा फील कर रहे हो यहाँ देख कर लोगों को? बारिश हो रही है, इसको बढ़ाए राष्ट्रपति शासन लागू होगा। आगे बढ़ो, खड़ा चाय आगे, चाय 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 हमारे दादाजी प्रमुख केसरा जी दाद जी चाय लिख रहे हैं। थैंक यू दाद जी, चाय लाने के लिए धन्यवाद आपका। तो गाइस रिमझिम बारिश हो रही है, ये मेरी आंटी जी है एंड इस बारिश के मौसम में हम पी रहे हैं गरम गरम चाय। छुप छुपाए ऐसे जी हम न पाए, ऐसी जिंदगी हम छुप छुपाए हम न आए, आए आए हम न आए, ऐसे जी छुप छुपाए ऐसे जी हम न पाए। सभी चाय का आनंद लेते हैं इस बरसात के अंदर, मतलब सभी भीग चुके हैं ना, सभी चाय पी रहे हैं और इनका दिल से धन्यवाद करो। आगे जाओ जाओ ओ ये हम लोग अभी जा रहे हैं सामान डालने, कुछ सारा काम बहुत दिक्कत से हुआ है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रही, बारिश बहुत ज्यादा थी गाइस, क्योंकि हम लोग अभी रुक नहीं रहे, भीग चुके पूरे तरह से, ये लोगों से भीग चुके हैं, अभी सामान डाल के आएंगे क्योंकि ये हमारा काम है हमें। तो ये सब भीग चुके हैं, सब मतलब गीले हैं लोग सब, और इनकी दशा मतलब क्या, इनसे पूछे तो शर्म आती है यार, ये बताएंगे नहीं और मुझे मुद्रे जैसे भीगे चुहे भीगा मुद्रा। एंड गाइस वो जो खाद्य मंत्री भी रह रहे हैं, बाकी वो अभी आ रहे हैं, उनके आते ही हम यहाँ से रवाना हो जाएंगे। तो गाइस अभी हम जो खाने पीने के बर्तन थे वो वापस डालने जा रहे हैं एंड कुछ बोलना चाहोगे? अरे कुछ सत्तर यार गाइस, एक्चुअली में ये ड्राइवर साहब ना ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही पी रखी है तो क्या ये वीडियो डाल रही है। अभी फिलहाल हम रवाना हो चुके हैं एंड बने रहे ब्लॉग के साथ, क्योंकि आने वाला इन बर्तन में बहुत ही ज्यादा मजा। तो गाइस ये हमारे गांव का कच्चा रास्ता एंड मतलब देख सकते हो चारों तरफ कीचड़ कीचड़ हो रखा है, मतलब पूरी तरह से व्यवस्था डगमगा गई हमारी, लेकिन फिर भी हम हमें नहीं और चलते ही रहे। अभी यार काटे आगे तो है, वो है संजय सेठ, ये हमारे गांव की जनता, ये वो सुधा एक पूरा व्यू देख सकते हो आप, ये इतने सारे लोग एक ट्रैक्टर में भरे हुए हैं, सब
हमारे परिवार के लोग पूरी तरह से कामगार हुए, मतलब काम करने वाले बन चुके। अगर आपको कोई काम करवाना है तो संपर्क करें मुझसे, कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट करें। अगर आपको कुछ काम करवाना बटन ठीक रहने लगे तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करें एंड वीडियो को लाइक करें। तो गाइस बने रहे ब्लॉग के साथ, आने वाला बहुत ही ज्यादा एंटरटेनमेंट और बहुत ही ज्यादा मजा। अभी बहुत सारे बर्तन हम उतार रहे हैं। तो गाइस अभी ये बंदा मुस्कुरा रहा है तो इसकी मुस्कुराहट में मैं फिदा हो गया। सजा है हम है बाजारों के सबके नजर, और बीच में से ये और हमें लगता है कि पीछे कुछ गिर चुका है। एक बार मैं आप लोगों को आगे दिखा देता हूँ। तो गाइस हमें मतलब लगता है कि यहाँ पे कुछ गिर चुका है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं गिरा है। तो फिलहाल हमारे सामान एकदम रेडी है। तो तो गाइस हमारा गांव मतलब हम कच्चे रोड से मुक्त होने वाले हैं एंड हाईवे आने वाला है बहुत जल्द। ये हमारा गांव जहाँ से हम लोग सामान वगैरह वगैरह जो भी चाहिए हम लोगों को वो सब यहीं से लेके जाते हैं। एंड ये दो चार पटेल बैठे हुए हैं, मतलब देख सकते हो ये गांव के लोग हैं जो बैठे और भगवान साथ। असली ड्राइवर अब दिखेगा। तो गाइस हमारी माता जी का मंदिर आ चुका है और यहीं पे हमें सामान रखने हैं, क्योंकि जो सामान हम लेके गए थे वो सब सामान माता जी के थे, मतलब यहाँ से लेके गए थे। तो ये हमारे माता जी का स्थान। बहकी सभी जुबां है हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है तुम रह सके। ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी, ऐसी जीत अब चाहे जिंदगी है।